हेलो स्टूडेंट्स जय हिंद जैक रजत प्रभाकर वेलकम टू कक्षा हिंद क्लासेस प्यारे बच्चों आज की शॉर्ट क्लिप में हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं तो फटाफट फड़ देखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो रो चाहे कितनी भी हो ओके रो चाहे कितनी भी हो तो आप देख रहे हैं या, रो वन रो टू दो बना दो टू थ्री लेकिन कॉलम एक ही रहेगा ठीक है थीके? चाहे रो आप एक बना दो चाहे रो आप दो बना दो रो तीन बना दो ठीक है तो कुल मिलाकर पहला टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स इसी तरीके से होता है रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स को आप आसानी से समझ भी रहे हैं सिर्फ रो एक हो बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं तो देखिए आपको इस तरीके से टू थ्री ये बना सकते हैं देखिए इसमें कॉलम वन कॉलम टू है लेकिन रो एक ही रहेगी इसके अलावा आप और भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जैसे टू फोर जीरो तो ये रहा कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री राइट तीन कॉलम है चार कॉलम है कितने भी कॉलम हो सकते हैं बट रो मैट्रिक्स में रो एक ही रहती है ठीक है उसके बाद पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल सी बात है जितनी रोज हो उतने ही कॉलम हो अगर एक रो है एक कॉलम हो तो कॉलम वन रो वन देखिए इधर ये हो गया आपका क्या रो वन कॉलम वन चाहे आप दो रो दो कॉलम कर सकते हो एक एलिमेंट ये हो गया बेटा देखो वन जीरो फाइव टू तो इसमें देखिए कॉलम वन कॉलम टू रो वन रो टू यानी जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ठीक है इसी तरीके से आप एक और देख सकते हैं क्या दिया गया है देखो टू जीरो वन थ्री टू वन फाइव टू थ्री कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री रो वन रो टू और रो थ्री तो देखिए ये ऑर्डर थ्री का मैट्रिक्स हो गया क्योंकि थ्री रोज थ्री कॉलम्स है आपको दिखेगा तो सिर्फ ऑर्डर वन ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है बेटा क्या डायग्नल मैट्रिक्स ठीक है डायगनल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं जिसमें डायगनल पे एलिमेंट, एलिमेंट हो ठीक है डायगनल में एलिमेंट्स हो डायगनल की Diagnol में एलिमेंट्स हो so बाकी सब्जेक्ट के एलिमेंट्स क्या हो जीरो हो जैसे वन जीरो जीरो इधर देखिए आप फटाफट आप डाइगनल बनाइए जीरो फाइव जीरो 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 सिक्स तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हियर ये आपके सामने क्या है डाइगनल है इस डाइग्नल में आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे ठीक है अदर देन जीरो ठीक है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं ठीक है इसी तरीके से आपका है स्केलर मैट्रिक्स ठीक है स्केलर मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया डाइंगल के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे इक्वल होंगे अदर देन वन होंगे अदर देन वन होंगे इस बात का भी ध्यान रखिएगा देखिए जैसे हमने यहां पर ले लिया क्या रूट टू जीरो 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 रूट टू जीरो 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 रूट टू अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो यहां देखिएगा, बहुत ध्यान से ये रूट टू हो गया आपके डायग्नल पर अदर देन वन एलिमेंट ये कहलाता है आपका स्केलर मैट्रिक्स चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कौन से मैट्रिक्स के इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों स्पेस की कमी है ओके okay, कोई नहीं इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या है डायगनल पर एलिमेंट्स ओनली वन हो क्या ओनली वन हो लोकेट यार वन जीरो 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 वन जीरो 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 डायगनल पर जब एलिमेंट्स क्या होंगे one होंगे राइट right? जब डायगनल पर एलिमेंट्स वन होंगे और अदर देन अदर एलिमेंट्स जीरो होंगे तो वो कहलाता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसके बाद लास्ट टाइप आता है बेटा जीरो मैट्रिक्स क्या है जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स क्या है? सारे एलिमेंट जीरो ये ऑर्डर टू का हो गया ठीक है ये ऑर्डर थ्री का हो जाएगा मैट्रिक्स राइट सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो वो कहलाता है जीरो मैट्रिक्स तो प्यारे बच्चों आपने और हमने देखा ठीक है कि इस वीडियो में शॉर्ट में सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वन बाई वन डिटेल्ड इनके टाइप भी आप फर्दर वीडियोस में देखने वाले हैं थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र जय हिंद